नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। क्या एक बार फिर से रुलाएगा प्याज? आज की हमारे में प्याज के थोक भाव 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। दिवाली से पहले आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है, क्योंकि एक बार फिर प्याज की कीमतों में आग लग गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि त्योहारों से ठीक पहले ही प्याज की कीमतों में करीब 30 से 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। क्या है इसकी वजह और क्यों बढ़ रहे हैं दाम, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महंगाई की मार, फिर बढ़ी प्याज की कीमत, दिवाली में रुलाएगा प्याज। एक हफ्ते में ही आम आदमी के घर के बजट पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। प्याज की बढ़ती कीमतें इस बात का अंदेशा है कि आने वाले वक्त में प्याज और भी रुला सकता है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो प्याज की कीमतों में करीब 50% से ज्यादा का उछाल आया है। महाराष्ट्र के नासिक में लासल गांव में देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, जिसमें प्याज की कीमतें लगातार ऊंची हो रही हैं। लासल गांव में हफ्ते भर में ही थोक भाव 50% से ज्यादा उछला है। 3 अक्टूबर को प्याज का थोक भाव 1610 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 9 अक्टूबर को बढ़कर 2450 रुपए प्रति क्विंटल जा पहुंचा है। यानी प्याज की थोक कीमतों में रोजाना करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह ये है कि 3 अक्टूबर को लासल गांव में करीब प्याज की आवक 2100 टन थी, जो 9 अक्टूबर को घटकर 800 टन पहुंच गई है। थोक व्यापारियों का भी कहना है कि दिवाली पर प्याज महंगा होता रहेगा। प्याज की कीमतों में लगी आग की वजह है भारी बारिश से कर्नाटक से सप्लाई घटना। सितंबर में हुई भारी बारिश से कर्नाटक में 50% फसल को नुकसान हुआ है। वहीं जून जुलाई में कम बारिश से कर्नाटक में बुआई करीब 50% कम हुई थी। इस वजह से कर्नाटक की मंडियों में प्याज की सप्लाई में भारी कमी है और कर्नाटक दूसरा सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक राज्य है। बारिश और फेस्टिव डिमांड ने प्याज के दाम 30 से 50% तक बढ़ा दिए हैं। ऐसे में फेस्टिव सीजन में प्याज की कीमतें बढ़ने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। रिपोर्ट जी मीडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर प्याज के दाम बढ़े हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं महेंद्र सनपाल, जो कि दिल्ली वेजिटेबल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ सिराज हुसैन होंगे, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, फोन लाइन पर। और साथ ही हमारे साथ एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा होंगे। इन तीनों जानकारों से हम जानेंगे कि क्या आने वाले समय में प्याज का खुदरा भाव और बढ़ने वाला है। लेकिन देश भर में जिस तरह से प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस पर देखते हैं कि अहमदाबाद में ताज़ा हालात क्या हैं और अहमदाबाद से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, हमारे संवाददाता केतन जोशी ने हालात का जायजा लिया है। अहमदाबाद में पिछले 15 दिन में प्याज की कीमत ने 60% की बढ़ोतरी हो चुकी है और इसका कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। काका, ये बताइए कि प्याज की कीमत अचानक क्यों बढ़ गई? 15 दिन पहले जो 25 रुपये दाम था प्रति किलो, वो आप 40 हो गया। वो ऐसे हो गया कि पहले 100 गाड़ी आती थी बड़ी मार्केट में, अभी 20 ही गाड़ी आ रही है। जो 100 गाड़ी की खरीदी करने वाला अभी वो 20 गाड़ी की खरीदी वही कर रहा है, तो इसीलिए वो भाव बढ़ गया है, माल कम आने की वजह से। कब ये दाम सस्ते होने के कोई आसार है? अभी वो पुराना प्याज है, दलाल बोलता है कि वो कम होता है, जिसके पास पड़ा है वो भाव से बेचते हैं। और वो नवा प्याज अभी निकल गया लाल वाला, उसकी आवक थोड़ी शुरुआत है, कम है वो, ज़्यादा अभी मार्केट में आएगा तो भाव कम हो जाएगा। बतौर ग्राहक के रूप में आप बताइए कि प्याज की कीमत इतनी बढ़ गई है तो आप खरीदारी किस तरह से कर रहे हैं? सर, अभी प्याज का कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से प्याज खरीदना बंद कर दिया हमने। तो हाल फिलहाल तो प्याज की खरीदारी के जो आसार है वो कम दिख रहे हैं, लेकिन जानकार यही कहते हैं कि जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगी दाम है वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन तब तक दीपावली के दिनों के दौरान तो प्याज के भाव बढ़े हुए ही दिखेंगे। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो ये देखा आपने अहमदाबाद का हाल। अब आपको ले चलते हैं मुंबई, और मुंबई में भी प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। और चूंकि नासिक और जो लासल गांव है वो देश की सबसे प्याज की बड़ी मंडी है, और मुंबई में किस तरह से हालात हैं प्याज कीमतों को लेकर, आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट।
साल में कई बार ये सीजन आता है जहाँ जो प्याज का भाव है वो आसमान छू लेता है। वैसे मैं अभी दादर की एक मंडी में हूँ जहाँ मैं आपको बताऊंगी क्या है प्याज का हाल और क्या है दाम। सबसे पहले आपको आपसे जानना चाहूंगी कि 15 दिनों से कितना बढ़ोतरी हुआ है प्याज में। 15 दिनों पहले प्याज का दाम जो था वो 15 से 20 रुपये था, लेकिन अचानक बरसात होने से फसल खराब हो गई, इसलिए प्याज का दाम जो है बढ़ गया। और जो अभी जो है प्याज का दाम जो है खुदरा में 30 से 32 रुपए बिक रहा है। तो अचानक से जो दाम बढ़ गया है, क्या इसकी पीछे वजह क्या है और कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? अचानक बरसात होने से ही ये रेट बढ़ा है, नहीं तो रेट बढ़ने का कोई चांस नहीं था। और डिमांड भी ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आपने खरीदा है, कितना महंगाई आप देख रहे हो प्याज को लेकर पिछले 15 दिनों से जो बढ़ा है? 15 दिन पहले 60 रुपये था और उसके पहले कम से कम 22 रुपये थे। आज के तारीख में अभी मैंने 2.5 किलो लिया है, 2.5 किलो मुझे 80 रुपये में गिरा है। जैसे आपने देखा कि दाम तो बढ़ा ही है, साथ ही लोगों का भी यही कहना है कि हर 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 सीज़न होता है जहां दाम बढ़ते ही जाता है। तो ये था मुंबई का हाल प्याज को लेकर। कैमरामैन दिनेश के साथ नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो देश भर में प्याज की कीमतें बढ़ने लगी हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पैनल है जहाँ पर हम चर्चा करेंगे क्या आगे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है या फिर दाम और बढ़ने वाले हैं। मेरा पहला सवाल महेंद्र सनपाल जी आपसे ये होगा, चूंकि आप वेजिटेबल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के, क्या वजह देख पा रहे हैं और मंडियों में क्या आवक पिछले 8-10 दिन के मुकाबले बहुत कम हो गई है जिससे दाम बढ़ने लगे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे एमपी और महाराष्ट्र और गुजरात सरकार की जो पॉलिसियां हैं उसकी वजह से हमारी आम जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है किस स्टेट में कितनी डिमांड है, कितना माल स्टॉक रखना चाहिए। आज आप हम जो प्याज खा रहे हैं, अभी पब्लिक को किसी को नहीं पता ये प्याज 8 महीने पुराना प्याज खा रहे हैं हम। और एमपी गवर्नमेंट ने जो क्या किया, प्याज था 3-4 रुपये किलो, एमपी गवर्नमेंट ने पूरा प्याज किसानों का सारा खरीद लिया, 8 रुपये किलो खरीद के, और पूरी दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 4-5 रुपये बेच दिया और बहुत भारी नुकसान किया एमपी सरकार ने। और उस समय उसके बाद जैसे एमपी के अंदर प्याज खत्म हो गया, उसके बाद ये क्राइसिस बढ़ने लग गए धीरे धीरे। ये क्राइसिस बढ़ने के बाद ही ये प्याज का दाम यहाँ तक पहुँचा है। अगर एमपी सरकार प्याज नहीं खरीदती तो आज ये नौबत बिल्कुल भी नहीं आती। ये एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, सिराज हुसैन जी, क्योंकि आप पॉलिसी में का हिस्सा रहे हैं और जो बात यहाँ पर महेंद्र सनपाल कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी गलती हुई है जिससे देश के तमाम कंज्यूमर को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और प्याज की किल्लत आ गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये कहना है कि प्याज की कीमतें ऊपर और नीचे जाती रहती है, क्योंकि देश में जितनी प्याज पैदा होती है उसकी 60% रबी में होती है और 20% खरीफ में होती है। तो अब ये खरीफ की आवक शुरू होगी और मुझे लगता है कि प्याज के दाम गिर जाएंगे। देखिए, इस समय किसान काफी तकलीफ में है क्योंकि जो उसका उत्पाद है उसको उसके दाम नहीं मिल पा रहे हैं। और इसको रोकने का तरीका यह है दामों में वृद्धि के राज्य सरकार भी और भारत सरकार भी फूड प्रोसेसिंग में और स्टोरेज में इन्वेस्ट करें। प्याज का स्टोरेज उसी तरह होता है जैसे 50 साल पहले होता था और 30-40% नुकसान हो जाता है स्टोरेज में। अब इसमें नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने की जरूरत है। नई स्टोरेज टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है, हॉलैंड की कंपनी है ऑल राउंड, वो गुजरात में उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें कि लॉस घट के 20% रह जाएगा जी। तो जब तक आप स्टोरेज टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तब तक ये दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे। ठीक बात है, लेकिन देवेंद्र शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये है, दिवाली का त्यौहार महज हफ्ते 10 दिन बाद है, क्या आपको लगता है कि जो हालात अभी यहाँ पर बताए जा रहे हैं प्याज को लेकर के, ऐसे में दिवाली के दौरान प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं, यानी कंज्यूमर के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक और मुसीबत सामने खड़ी है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, कंज्यूमर के लिए कोई महंगाई की मुसीबत नहीं है। कंज्यूमर के 10 रुपए बढ़ते हैं तो हंगामा हो जाता है देश में, जब किसान मरता है तो कोई बात ही नहीं करता उसकी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम ये ना भूलें कि किसान भी हमारे देश का जो है वो भी कंज्यूमर है। अगर किसान को दाम नहीं मिलेगा तो देश नहीं चल सकता, ये हमें समझना है, बहुत जरूरी है ये बात। और अगर कंज्यूमर को ज्यादा पे भी करना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको डीए मिलता है, डीए अलाउंस बहुत मिलता है, दे कैन टेक केयर ऑफ दैट। कैसी बात कर रहे हैं सर आप, सारे कंज्यूमर को डीए नहीं मिलता है, किसान भी कंज्यूमर है,
आप एक तरफा बात ना करें, किसान भी कंज्यूमर है, और जो बात आप कह रहे हैं जो प्याज के दाम बढ़े हैं इसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, किसानों के हाथ से प्याज निकल चुका है। जो बात यहाँ पर महेंद्र चंद्रपाल अभी कह रहे थे, किसानों के पास अब प्याज का स्टॉक बहुत कम है, किसानों के पास होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगर आपने अपनी बात बोलनी है तो आप ही बोल लीजिए। नहीं, मैं आपको सुनिए ना, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको देश में कभी किसी पीबी ने कभी किसानों की बात की है? क्या बात कर रहे हैं सर? जी बिजनेस कम से कम प्रदेश में क्या, जी बिजनेस ने कम से कम 50 ऐसे प्रोग्राम किए होंगे किसानों के ऊपर, किसानों की बदहाली के ऊपर। बहुत मीडिया है। दूसरा, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि सब हमारा जो प्याज है किसान ने, मध्य प्रदेश सरकार ने गलती की है कि बिचौलिए का अगर दाम कम हो जाता है या उसका कमीशन कम हो जाता है तब हंगामा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्कुल ठीक काम किया था और ऐसा ही काम करना चाहिए, यही देश को जरूरत है। अभी 7 जो ट्रेडर्स थे लसन गांव में, वहां पर जो रेड पड़े थे ईडी के, उसका देखना चाहिए रिजल्ट क्या है। उस चेन को रोकिए, वो सारा कार्टलाइजेशन हुआ पड़ा, 12 लोगों के पास सारा प्याज का कंट्रोल है देश में। नहीं, देवेंद्र शर्मा जी, आप सवाल को नहीं समझ पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ किसानों को उचित भाव मिले, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लासल गांव में 2 रुपए बिकने वाला प्याज जब दिल्ली में आके 50 रुपए बिकता है, इस बात पे आपत्ति है कि 48 रुपए कहाँ जाता है, ये बिचौलिया कौन है, इस पर आपत्ति होती है। और इसीलिए सवाल खड़े होते हैं, 50 रुपए का भाव अगर कंज्यूमर दे रहा है प्याज का, तो ये पैसा अगर किसानों को मिल जाए तब तो एक ठीक बात है कि चलो किसान को मिल रहा है, लेकिन किसान को मिल रहा है 2 रुपए का भाव, कंज्यूमर ले रहा है 50 रुपए के भाव में, दिक्कत यहाँ पर आती है। तो यही ठीक है, हम बता रहे हैं आपसे, मेरी बात सुनिए, यही तो बोल रहे हैं हम कि भाई किसान को तो कोई फायदा नहीं होता है, बिचौलिए का फायदा होता है। और हम कितने सालों से बात करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसको रेशनलाइज करने की कोशिश नहीं हो रही है। 7 लोग पकड़े गए हैं, अब पहले भी 2 साल पहले भी मुझे याद है महाराष्ट्र सरकार ने एक रेड किया था, उसमें 12 लोग पकड़े गए थे, क्या हुआ उनका? ठीक है, महेंद्र चंद्रपाल जी, जो बड़ा मुद्दा आपने भी उठाया कि यहाँ पर प्याज की सप्लाई कम हुई है, लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आप खुद मंडी में बैठते हैं, आजादपुर मंडी में, वहां से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या दिवाली के दौरान या फिर दिवाली के बाद? ये हम इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम कंज्यूमर को ये आगाह कर सकें, ये बता पाएं कि क्या स्थिति फिलहाल प्याज को लेकर के है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई पैनिक मार्केट में ना फैले कीमतों को लेकर के। इसलिए हम ये बता रहे हैं, क्या मंडियों में अभी डिमांड सप्लाई की स्थिति बेहतर है, और क्या आपको लगता है कि दिवाली के दौरान या फिर दिवाली के बाद प्याज की कीमतों में कोई बड़ी तेजी नहीं आने वाली है? नहीं, प्याज की कीमतों में अभी थोड़ी तेजी तो आएगी, लेकिन मेरा एक कहना है, जो कि मैं बार बार टीवी चैनल के आपके माध्यम से हर जगह यही बोलता हूं कि एक पॉलिसी होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की कि हमारे को कितने की डिमांड है और कितना हमारे पास स्टॉक है। हाँ। और वो पॉलिसी आज तक मेरे को पॉलिसी नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपको कि अभी आजादपुर मंडी में रोजाना सप्लाई कितनी होती है प्याज की? आजादपुर मंडी के अंदर रोजाना 100 से 150 गाड़ी की सप्लाई होती है। डिमांड कितनी है? और डिमांड भी इतनी डिमांड है, डिमांड इससे ज्यादा है। हाँ। इसलिए भाव थोड़े बढ़ रहे हैं। कितनी तेजी आप देख पा रहे हैं दिवाली पर? मेरे हिसाब से 5 रुपए से लेकर 10 रुपए और तेजी आ सकती है। तो 5 से 10 रुपए प्रति किलो की तेजी आप कह रहे हैं कि दिवाली के दौरान प्याज की कीमतों में यहाँ पर आ सकती है, ये एक महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं।